हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे आई पी एस सी ऑफ हेलो एल्केस एंड हेलो एरियंस के बारे में। तो एन सी आर टी का जो पहला बेटा है इसको थोड़ा सॉल्व करा दे रहे हैं। तो देखिए, आप एन सी आर टी में देखेंगे तो यहाँ पे दिया है सी एस थ्री सी सिंगल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड सी एच, फिर यहाँ पे कार्बन होगा सी एस थ्री एच भी है। बेटे आप इसको इस एग्जाम में लिख सकते हैं सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच। देखिए सी एस थ्री इस कार्बन से एच है, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे क्या कार्बन, इस कार्बन से क्या क्या अटैच है, हाइड्रोजन सी एच थ्री बी आर, मैंने क्या लिखा सी एच बी आर सी एच थ्री। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह भी लिख सकते हो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री बी आर। पहला आपको रूल क्या रहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपको सबसे लंबा कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे लंबा कार्बन चेन है चिकरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ये हमारा क्या ब्रोमीन हमारा आएगा साइड चेन में आएगा, ये वाला क्या होगा लॉन्गेस्ट चेन होगा पांच कार्बन का 1 2 3 4 5। अब इसके बाद बेटा आपको मैंने बताया था कि जब आपके पैरेंटल चेन दिया गया है, ध्यान सुनो बेटा, आपको कुछ रूल्स भेज दिए हैं। पहले आप क्या चेक करते हैं, फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप की साइड से पहले, फिर इसके बाद आप डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड चेक करेंगे, फिर क्या चेक करेंगे साइड चेन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो फिर चेक करें, पहले हम क्या चेक करते हैं, फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड चेक करते हैं, फिर साइड चेन। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी सी एच, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिया गया? नहीं दिया। सॉरी, ये बेटा आप पैरेंटल चेन में 1 2 3 4 साइड चेन दिया गया डबल बॉन्ड। तो पहले हम क्या चेक करेंगे डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड चेक करते समय हमेशा ध्यान देना कि किस साइड से डबल बॉन्ड पहले आता है। चेक करिए 1 2 3 4 5 1 2 डबल किस कार्बन पर आया 2 पे। अगर आप इधर नंबरिंग दिए 1 2 3 किस पोजीशन पर आया 3 पोजीशन। तो नंबरिंग हमेशा बेटा उस साइड से देंगे जिस साइड से आपका डबल बॉन्ड पहले आ जाए। तो आप नंबर दिया 1 2 3 4 5, सबसे पहले क्या लिखें साइड चेन किस कार्बन पे 4, तो 4 ब्रोमो पेंट 2 3। क्लियर? चलिए, यहाँ पे अगला प्रॉब्लम दिया गया था सी एच एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री। अब आप देखिए इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, सी एच थ्री और ये जुड़ा है। आप इसको इससे लिख सकते हैं कार्बन से दो हाइड्रोजन क्या बोलेंगे सी एच टू डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन से एक सी एच थ्री जुड़ा है और इस कार्बन से एक ए वाला कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन से क्या जुड़ा एच बी आर सी एच थ्री, क्या लिखेंगे सी एच सी एच थ्री बी आर, इस वाले कार्बन सी एच सी एच थ्री बी आर हो गया। अब बात आती है बेटा नंबरिंग की, तो पहले आप क्या सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन यही होगा 1 2 3 4, ये हुआ आपका लॉन्गेस्ट चेन। तो हमारा मेथाइल ग्रुप ब्रोमीन हमारा साइड चेन होगा। तो पहले क्या चेक करते हैं, मैंने बताया डबल या ट्रिपल बॉन्ड चेक करेंगे। तो देखिए आप बेटा इधर नंबरिंग दिए 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आए 1 पे आए, आप इधर से देते 1 2 3, डबल बॉन्ड किस कार्बन पर आता 3, तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से देंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास आई है। क्लियर है? चलिए, तो 1 2 3 4 आपने नंबरिंग दे लिया 1 2 3 4 5, ये आपका ब्रोमो है ये आपका मिथाइल है, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला प्रॉब्लम है, आप इसको थोड़ा देखिएगा क्या लिखा है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच टू बी आर। तो पहले आपको क्या करना बेटा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो ये आपका क्या होगा लॉन्गेस्ट पैरेंटल चेन यही होगा 1 2 3 4। अब चेक करना बेटा नंबरिंग की साइड से देंगे, देखिए ये आपका होगा पैरेंटल चेन 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए आपने नंबरिंग है यहाँ से दिया, ध्यान सुना बेटा, अगर आप इसको नंबरिंग देते हैं इस साइड से 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है 2 कार्बन पर, आपने इस साइड से नंबरिंग दिया 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, आपने इधर दिया 1 2 3 4, डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है 2, आपने जब राइट गया तब भी 2 आए, आप इधर आए तब भी बेटा आपको 2 आ रहा है। तो उस केस में जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ सेम आए तो हम क्या चेक करते हैं साइड चेन, तो साइड चेन किस साइड से पहले आ रहा है, आपने इधर से नंबरिंग दिया 1 2 3 4, तो 1 पे आया
और टू पे आए, मतलब वन पे पहले आ गए। आपने इधर दिया वन टू थ्री, वन टू थ्री किस कार्बन पर आए, थ्री पे, मतलब ये वाला आपका गलत हो जाएगा। पहले आपको नंबर चेक करना है कि साइड से डबल बाउंड सेम आ रहा है, अगर डबल बाउंड इधर से पहले ही आएगा पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। जब दोनों तरफ से डबल बाउंड सेम पोजीशन पर आ रहा है तो आप साइड चेन चेक करें, जिस साइड से साइड चेन पहले आ जाए तो उसको प्रेफरेंस पहले देंगे। आपने इधर से नंबरिंग शुरू किया, इधर गए तो वन पे आए, इधर से गए पहला आपका थ्री पर, आप इधर से गए तो वन पे आया, टू पे आया, इधर से गए थ्री और फोर पे आया, तो सम वैल्यू इधर आ जाएगा सेवन, इधर आ जाएगा थ्री। तो ये वाला आपका रूट सही होगा, वन टू थ्री फोर, मतलब ये वाला रूट आपका रॉन्ग होगा। तो वन टू थ्री फोर, तो अब एक साइड चेन वन पे है और दूसरा साइड चेन सी एस थ्री, वन पहले है सी एस थ्री बाद में आता है, ये बी है ए एम है, वन ब्रोमो टू मेथाइल ब्यूट टू इन। बेटा अगला प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे दिया गया सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री, या आपके एन सी आर टी प्रॉब्लम सी एच सी एच थ्री दिया। आप इसको क्या लिख सकते हैं, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच थ्री, वही देखिए इस कार्बन सी सी एच थ्री सी एच टू, सॉरी बेटा हाँ सी एच बी आर सी एस थ्री, यहाँ तक क्लियर हो। अब चलिए ये आपको हो गया बेटा पैरेंटल चेन, पांच कार्बन होगा वन टू थ्री फोर फाइव, क्लियर, वन टू थ्री फोर फाइव, क्लियर। अब बात करें नंबरिंग की, तो नंबरिंग हमेशा चेक करेंगे कि साइड्स डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। आपने इधर से दिया वन टू थ्री फोर फाइव, इधर दिया वन टू थ्री फोर फाइव, बेटा जब आप राइट साइड गए तो किस कार्बन पे आ रहा है, टू, आप इधर आ रहे हैं तो किस कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, थ्री पे आ रहा है, मतलब ये वाला आपका गलत हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव। अब साइड चेन क्या क्या दिया गया, ब्रोमीन दिया गया और सी एस थ्री दिया गया, ब्रोमीन और सी एस थ्री, तो ब्रोमीन किस कार्बन पे है, फोर्थ पे ब्रोमीन है और थ्री पे मिथाइल, ये वाला आपका सही रूट होगा, फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल पेंट टू ए, क्लियर। चलो ये वाला देखिए, ये आपका दिया गया वन टू थ्री फोर, चेक करना बेटा वन टू थ्री फोर, इधर चेक करिए वन टू थ्री फोर, आप बेटा इधर आ रहे डबल बॉन्ड किस कार्बन पर आ रहा है, टू, इधर जाए डबल बॉन्ड किस कार्बन पर आ रहा है, टू, तो दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे, तो हम क्या चेक करेंगे, साइड चेन। आपने इधर आपने राइट से लेफ्ट गए, राइट से लेफ्ट गए वन टू थ्री फोर, तो साइड चेन किस कार्बन पर आ रहा है, वन पे आ रहा है, वन पे साइड चेन है। आप लेफ्ट टू राइट गए तो साइड चेन किस कार्बन पर आया, फोर्थ पे आ रहा है, ये वाला रूट गलत होगा, ये वाला रूट सही होगा। इसका आई पी सी क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे साइड चेन, तो साइड चेन में वन ब्रोमो ब्यूट टू ए, क्लियर। यहाँ आप चेक करोगे का ये दिया गया है आप सी कार्बन एच एच डबल वन सी सी एस थ्री सी एस टू दिया, आप इसको क्या लिख सकते हैं, सी एस टू डबल बॉन्ड सी सी एस टी सी एस टू बी आर। अब नंबरिंग की बात करेंगे, वन टू थ्री, आप इधर से वन टू थ्री, पहले क्या चेक करेंगे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड देखिए आप जब लेफ्ट टू राइट गए किस कार्बन पर आ रहा है, वन पे, और जब राइट टू लेफ्ट आ रहे किस कार्बन पर आ रहा है, टू पे, पहले वाला रूट आपका गलत होगा। आपका आई पी सी क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे साइड चेन, थ्री ब्रोमो टू मेथाइल प्रोप वन ए, क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं। चलिए बेटा ये भी आपके एन सी आर टी के प्रॉब्लम है, पूछा गया राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आज पेपर लिखा टू क्लोरो थ्री मेथाइल पेंटेन, तो जब आपको क्या करना है, पांच कार्बन बना दीजिए, वन टू, आप कुछ नहीं वन टू थ्री फोर फाइव, आप नंबरिंग दे दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव, कुछ नहीं करा, टू क्लोरो दो पे क्लोरीन, थ्री मेथाइल तीन पे क्या जोड़ दीजिए मेथाइल, क्लियर। यहाँ पे क्या लिखा गया, वन क्लोरो फोर एथाइल साइक्लोहेक्जेन, तो आपको पहले क्या बनाना है, साइक्लोहेक्जेन बना दीजिए, आप नंबरिंग दे दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कहीं से नंबरिंग दीजिए, करा वन क्लोरो एक पे क्या लिख देंगे क्लोरीन, फोर एथाइल तो फोर पे क्या लिख देंगे सी टू एच फाइव, देखिए सिंपल सा। अब यहाँ आप चेक करिए, दिया गया फोर टर्सरी ब्यूटाइल, फोर टर्सरी ब्यूटाइल थ्री अहाइडो हेप्टेन, आपको क्या करना है, सात कार्बन बना दीजिए, थ्री फोर
5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप नंबरिंग दे दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप 4 टर्शरी ब्यूटाइल, तो 4 कार्बन क्या लिखेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। और टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है याद करिए बेटा, मैंने बताया था ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल, तो 4 पे क्या जोड़ देंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। बेटा बैलेंसी चेक करिए, 3 आयोडो, तो 3 पे क्या जोड़ देंगे, आयोडीन। चेक करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 पे आयोडीन, और ये हमारा क्या कहलाता है, टर्शरी ब्यूटाइल, किस कार्बन पे, 4th पे। ठीक है, चलिए यहाँ दिया 1,2-dibromo-but-1, ये आपका हो जाएगा। अगला चेक करिए, लिखा कि 1-bromo-4-secondary-butyl-2-methyl-benzene, तो सबसे पहले बेटा आपको बेंजीन बनाना है, नंबरिंग दे लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको 1 पे क्या लिखना है, ब्रोमो, 2 पे क्या लिखना है, मिथाइल, और 4 कार्बन क्या लिखा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल बेटा आपको बता चुके हैं, CH3, CH2, CH, CH3, इस वाले कार्बन जोड़ दीजिए। तो बेंजीन चेक करिए, बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन ये वाला अटैच है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी बोलते हैं। क्लियर, मतलब बेंजीन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर, इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। एक पैरेंटल चेन से वाला कार्बन अटैच है, इस कार्बन से एक कार्बन इधर, एक इधर, एक इधर, इसे क्या बोलेंगे, टर्शियरी बोलते हैं। क्लियर है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा बेटा, जो भी डाउट हो आप पूछिएगा।